हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस डॉस के द्वारा वैसे फोल्डर को बनाना जो विंडो से भी सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि हम CON नाम का फोल्डर बना रहे हैं अभी, तो उसको देखिएगा, CON टाइप किए, इंटर मारे तो यहाँ पे कुछ मैसेज आ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि CON नाम का फोल्डर जो है, या PRN जो भी देखे, PRN से भी नहीं बन पा रहे हैं, NULL नहीं बन पा रहे, तो हम ऐसे फोल्डर को हम बनाना चाहते हैं। ये एक चैलेंज है, कोई अगर जो चैलेंज देता है तो हम उसे एक्सेप्ट करके इसे हम अपने जानकारी के अनुसार हम उसे दिखा सकते हैं, उस चैलेंज को हम जीत सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर को, वैसे फोल्डर को बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, कमांड को खोल लेंगे। कमांड खोलने के बाद हम इस पाथ में चले आते हैं, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि अब हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, जो कि हमने बताया था CON PRN NUL। एनीवे, जो भी नाम का फोल्डर नहीं बन पा रहा हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड है MD मेक डायरेक्टरी फुल फॉर्म। सो MD स्पेस, MD स्पेस, उसके बाद देखिए एक इन्वर्टेड कॉमा देना है। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद आप वो फोल्डर नेम दीजिए जो आप देना चाहते हैं, उसके बाद बैक स्लैश देना है, उसके बाद इंटरबेस करनी है। तो इतना काम करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे कुछ नहीं, जाकर एक बार रिफ्रेश करना है। देखिए आपका एक यहाँ पे एक CON नाम का फोल्डर बन गया है। तो थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिए, अगर आप डॉस मोड से CON नाम का फोल्डर बनाते हैं तो ये इसे कोई डिलीट भी नहीं कर सकता है। जैसे हमने डिलीट किया, नहीं हुआ, सो डिलीट हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इसे डिलीट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।